हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सो कैसा रहा आपका वीकेंड और आपका वीक? और आप सब अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इज़राइल में अभी बज रहे हैं, एक्चुअली मुझे पता नहीं क्योंकि मेरी घड़ी बंद पड़ गई है, यहाँ पर कुछ 7:45 के करीब बज रहे हैं। और अभी तो मैं फ़िलहाल रुकी हूँ अपने हस्बैंड के लिए, वो मुझे पिकअप करने आने वाले हैं और हम यहाँ से जाने वाले हैं किसी फैमिली रिलेटिव के यहाँ डिनर के लिए, बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ जो है वो अभी जा रही है वापस इंडिया। और मैं काफ़ी जेलस फील कर रही हूँ बिकॉज़ आई मिस इंडिया सो वेरी मच। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ वहाँ का खाना, वहाँ का मतलब वो पूरा जो माहौल होता है। यहाँ इस वक्त भी मतलब 7:30 बजे तो वहाँ पर शाम बहुत ही मतलब फैमिली का टाइम होता है और बाहर सब फैमिलीज निकलते हैं बाहर चाट वगैरह खाने एंड ऑल। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब, लेकिन यहाँ पर 7:30 बजे 8 बजे आई थिंक 7 बजे ही सब दुकानें जो है वो बंद होना शुरू हो जाती है। सो शॉपिंग हाँ मॉल्स खुले रहते हैं बट दुकानें जो हैं वो लाइक सिटी में या ऐसा कुछ वो बंद हो जाती है। तो मतलब आप घर के आजू बाजू में भी कहीं जा नहीं सकते घूमने, और जाना है तो सिर्फ मॉल है, नहीं तो कुछ 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 शॉपिंग सेंटर्स टाइप जो है यहाँ पर वो खुले रहते हैं बट वो भी लाइक 9:30 बजे बंद हो जाते होंगे। सो बेसिकली जो है छुट्टी लो और घूमने जाओ अपनी फैमिली के साथ, ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पर। अभी एक्चुअली आने वाले इलेक्शंस यहाँ पर हो गए थे मार्च या अप्रैल में आई थिंक। सबको पता ही होगा, अगर किसी को पता नहीं है तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है बीबी नतन्याहू, बेंजामिन नतन्याहू, सॉरी सब बीबी बोलते हैं उसे। और अभी जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद पता नहीं मतलब कुछ हो गया, और जो मुझे पॉलिटिक्स का इतना कुछ है नहीं, ज्ञान नॉलेज है नहीं मुझे, सो आई डोंट नो कि मतलब ऐसा कुछ बोलते कि उसके जो कुछ मिनिस्टर्स थे वो उसे छोड़कर अपोजिशन में चले गए या ऐसा कुछ। सो इस वजह से इलेक्शंस वापस हो रहे हैं। अभी 17th को इलेक्शंस हैं और ऑफकोर्स मैं और मेरे हस्बैंड हम सब मोस्ट ऑफ हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो बीबी नतन्याहू को ही वोट करने वाले हैं वापस, क्योंकि वही सबसे बेस्ट चलाता है इज़राइल को। यू नो जो सिचुएशन यहाँ पर है गाज़ा एंड पैलेस्टाइन एंड ये सब, मतलब वो सब जो स्ट्रेस होता है वो बीबी नतन्याहू के अलावा कोई और अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है मेरे हिसाब से। सो हम लोग उसे ही वोट देने वाले हैं। मैं आपको शूट करके बताऊंगी वो व्लॉग, उस पर एक व्लॉग बनाऊंगी मैं, वो वीडियो आई डोंट नो कितना मैं शूट कर पाऊँगी, कितना दिखा पाऊँगी, बट आई विल ट्राई कि मैं उस दिन का जो यहाँ पर माहौल होता है वो मैं कवर कर पाऊँ और आप तक पहुँचा पाऊँ। बिकॉज इज़राइल जो है वो इतना स्ट्रेसफुल कंट्री है, सो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके मैं आपको इज़राइल के बारे में बता पाऊँ, क्योंकि यहाँ के लोग इतने बुरे नहीं हैं। वो न्यूज़ में जो दिखाते हैं वो वैसा तो बिल्कुल होता ही नहीं है। आई एम सॉरी मैं यहाँ वहाँ देख रही हूँ बिकॉज मैं वेट कर रही हूँ मेरे हस्बैंड का एंड वो कहीं से भी आ सकते हैं। सो मैं यहाँ वहाँ देख रही हूँ और लाइट भी इस वक्त यहाँ पर इतनी है नहीं, जो स्ट्रीट पर चल रही है वही लाइट्स का असर है ये। सो मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं कह रही थी कि इलेक्शन वाले दिन का जो जितना मैं हो सके मैं शूट करके आपको दिखाऊंगी कि क्या होता है और कैसे इंतुजियाज़म के साथ यंगस्टर्स भी, जो टीनेजर्स होते हैं जो स्कूल में होते हैं या कॉलेजेस में, वो भी कितने अच्छे से तैयारी करते हैं उस दिन की, और वो मतलब वॉलंटियरिंग करने भी आते हैं वहाँ पर बूथ्स पे
कि किसी को मदद चाहिए या किसी को कोई हेल्प चाहिए कि वोट करने में या कहीं कुछ ढूंढने में या कुछ मतलब कुछ भी किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए होती है वो लोग हेल्प करते हैं। सो मैं वो सब आपको दिखाऊंगी। 17th को है वो। आई होप मैं उसी दिन शूट करके एडिट करके आपको मतलब अपलोड कर पाऊँ यूट्यूब पे, बट आई डोंट प्रॉमिस। अगले दिन तो पक्का करूँगी। कीप वॉचिंग एंड अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मेरा चैनल है इंडियन इंडियन मॉम इन इज़राइल। आप अगर जानना चाहते हैं मोर अबाउट इज़राइल, इज़राइल का कल्चर, इज़राइल के फेस्टिवल्स, इज़राइल के लोग, यहाँ की जो सिटीज़, सो जो जो लोकेशंस है, फेस्टिवल्स एंड ऑल, मतलब वो सब अभी आने वाले हैं हमारे बहुत ही जल्द। कीप वॉचिंग मी एंड आई विल कीप ऑन शेयरिंग इज़राइल टू यू गाइज़। सो टेक केयर, बाय बाय।